सब लोग वेलकम बैक टू चैनल। आज फाइनली डे 4 है आपका नुब्रा वैली में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अगले दिन टैक्सी करेंगे पैंगोंग के लिए, तो हम लोग अभी पैंगोंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, सैमलिंग मोनेस्ट्री नाम है इसका। तो फटाफट हमें यह देखना है क्योंकि रास्ते में वाटर क्रॉसिंग का वाटर लेवल हाई हो रहा है काफ़ी, तो पैंगोंग जा नहीं पाएंगे शायद अगर लेट करा ज़्यादा। तो ये मोनेस्ट्री है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ मोनेस्ट्री। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं श्योक। यहाँ पे हम अभी खाना खाने रुके थे। ये यहाँ पे श्योक में कोई छोटा सा गांव है और अभी यहाँ से डुबरुक 18 किलोमीटर्स है अगर आपको दिख रहा हो। बाकी अभी 2 घंटे के अप्रॉक्स हमें लगेगा पैंगोंग पहुंचने में, तो चलो हम वहाँ पहुंच के आपसे बात करते हैं। अभी फाइनली हम लोग 60 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं नुब्रा वैली से और अभी 120-130 के आसपास है अभी पैंगोंग। अभी हम लोग यहाँ बीच में रुके थे, काफी अच्छा व्यू है। आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा मैं उसके बाद, इस क्लिप के बाद। तो अभी 6-7 घंटे तो और लग सकता है पैंगोंग पहुंचने में। तो चलो व्यू तो काफी बढ़िया है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, 15-16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। और अभी सब पापा भी ड्रोन शॉट लेने पीछे, तो चलो ड्रोन शॉट कम्प्लीट करते हैं सारे। तो अभी दोबारा हम लोग रास्ते में रुक गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा पानी, बहुत ज्यादा तेज फ्लो में है। और आगे आप देखो गाड़ियाँ सारी अटकी पड़ी हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सारे बाइकर्स भी ऊपर से अटक चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही तेज फ्लो चल रहा है। देखते कैसे निकलते, पूरी लाइन लग चुकी पूरी। पैंगोंग में ये सब जगह ले हुए आप आ रहे हो तो फिर ये सब देख के आओ, यहाँ पे ये सब इशू रहता ही है। अभी अपनी टैक्सी भी निकालते हैं सब छोड़ के। तो अभी हम अपनी गाड़ी निकल रही है, आप देखो पानी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे सारी बाइकें फंस रही हैं आपकी गाड़ी, तो चलो तब भी निकल रही है। पैंगोंग लेक पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग थी। नुब्रा से यहाँ तक 150 किलोमीटर है पैंगोंग और अराउंड 120-130 ऑफ रोडिंग है। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा क्या हालत है रोडों की। एक्चुअली क्या है, पहले जो मेन रोड थी वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो गई, इसलिए हमें ऑफ रोड से आना पड़ा। तो व्यू ये है पूरा पैंगोंग लेक आपका, काफी सुंदर है। और हम लोग स्नो पाइन रिजॉर्ट में रुके हैं जो आपका काफी एलिवेटेड है, हाइट पर है और काफी अच्छा लग्जरियस कॉटेज है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे और कल सुबह मेरे ख्याल से सनराइज पे उठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि बढ़िया सनराइज होता है और व्यू काफी अच्छा आता है। और रात को भी कह रहे हैं स्टार गेजिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं अगर रात को शूट हो पाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलो करते डिनर। तो अभी हम लोग थोड़ा ट्रैक पे निकल रहे हैं, 10 बज रहे हैं रात के और काफी अंधेरा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। हम लोग थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, सब लोगों ने टॉर्च वॉर्च ले लिए, सब लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम सब निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। देखते हैं कितना दूर जाएंगे क्योंकि कह तो रहे हैं थोड़ा सा अनसेफ आगे जाना, लेकिन थोड़ा सा बोर हो रहे थे तो देखते हैं
कहाँ तक जाते हैं। सब लोगों ने हेड टॉर्च लगा लिए, वो रहे भाई आर्यन पीछे, भाई ने हेड टॉर्च चालू कर रखी अपनी, हेड टॉर्च मैं भी अपनी चालू कर रहा हूँ थोड़ी देर में, तो चलो चले आगे। ऊपर से हम लोग 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं होटल से, और अभी वापसी का रास्ते में प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतना लाइट हम पे है नहीं अभी, तो देख रहे हैं कहाँ जाए, अभी देखते हैं वापस क्योंकि GPS भी नहीं चल पा रहा है यहाँ पर। अभी ऑप्शन कुछ नहीं हम पे, हमें बस सीधा चलता रहना पड़ेगा वापसी की तरफ, फिर देखते हैं कहाँ पे रोड आती है। रास्ता पूछो। हेलो, हाँ आर्यन, हम लोग कमरे में ही हो ना, हम लोग यहाँ से आ रहे थे, थोड़ा सा ट्रैक इधर उधर हो गया है, समझ नहीं आ रहा वो किधर को गए, थोड़ा लोकेशन गड़बड़ आ गया है, देखते हैं अभी कैसे जाते हैं, मैं आपको अपडेट देता हूँ जैसे मेरा रास्ता कुछ आइडिया लगता है, क्योंकि पूरा खूब अंधेरा हुआ पड़ा पूरा। और देखा आगे जो डायरेक्शन है ना, हाँ उस डायरेक्शन में ऊपर चढ़ना है, वो देख रहा है यार, स्लोप स्लोप दिखाई दे क्या सामने, देख रहा है, हाँ हाँ हाँ, उस डायरेक्शन में हमें जाना है और पूरा हमारा ऊपर, चलते चलते देखते हैं। हाँ हम यूटर्न ही ले रहे हैं, सही कह रहे हो, मिल गया हमें वो यूटर्न, तो हमें यूटर्न मिल चुका है, और अभी जहाँ से हम लोग ने मतलब जहाँ से गुम हुए थे वहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया वो, तो चलो वहाँ पे चलते हैं वापसी, फिर जल्दी फटाफट पहुँचते हैं होटल क्योंकि 11:30 के आसपास हो रहा है टाइम, और यहाँ पे 11 बजे लाइट ऑफ हो जाती है, मतलब यहाँ पे लाइट आती सिर्फ 7 से 11 है, तो चलो फटाफट पहुँचे होटल की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए होटल और सेफली पहुँच गए, क्योंकि थोड़ा सा बीच में टेंशन हो गया था क्योंकि रास्ता बहुत अजीब सा है यहाँ पे और गुप अंधेरा था, सिर्फ रूम्स में, इस वक्त सिर्फ रूम्स में लाइट है इन्वर्टर पे, बाकी पूरा बाहर गुप अंधेरा हुआ है। तो चलो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हुआ आज भी, तो चलो आज का एपिसोड खत्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।